World Peace Ambassador. Thank you so much for this opportunity. To me, peace is all about humility. जब इंसान अपने आप में खुश रहता है, अपने भगवान को थैंक यू बोलता है, जो भी जिंदगी में मिलता है, जो भी तोहफा मिलता है भगवान से, इन टर्म्स ऑफ लाइफ, इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, अगर वो रहे तो हमेशा इंसान खुश रहेगा. सो हर सुबह उठ कर के एक बार अपने भगवान को थैंक यू बोलना कि मुझे जो मिला है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. आई थिंक दैट इज वॉट विल कीप यू ऑलवेज पीसफुल इन लाइफ, एंड दैट्स वॉट कीप मी पीसफुल इन लाइफ ऑल द टाइम. आई ऑलवेज थैंक गॉड फॉर माय टैलेंट ऑफ डांस. और मेरे हिसाब से अगर आप डांस करते रहेंगे तो हमेशा आप पीसफुल रहेंगे, बिकॉज डांस आपको सिखाता है बहुत कुछ चीज़ें, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो ह्यूमिलिटी हो, ये सब डांस में थोड़ा मिल जाता है. आई एम थैंकफुल फॉर दैट. सिमरन मैम, पीस इज समथिंग सो ब्यूटिफुल. जैसे कि संदीप ने कहा डांस, तो एक्चुअली मैं विजुलाइज कर रही थी डांसिंग विद संदीप सोपारकर द लेजेंड, एंड मिकी इज हियर विद मी, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू एज वेल. ये जो ब्यूटिफुल मोमेंट है, इट रिमाइंड्स मी ऑफ द ब्यूटिफुल लेडी. आई थिंक शी इज़ अ मिरेकल ऑफ गॉड ऑल टुगेदर. मदर टेरेसा और नेल्सन मंडेला जो काम करते थे टू ब्रिंग पीस एंड हार्मनी टू द वर्ल्ड. आजकल पीस कंट्रीज में हो, या घर की बात हो, फैमिलीज में हो, कम्युनिटी में हो, या सिटीज़ में हो, एवरीवेयर द ओनली नीड ऑफ द आवर इज पीस. और हम हमेशा, जब से हमें होश आया है अपना, जब से ग्रो होते गए हैं, यही चाहते हैं कि शांति हो. तो शांति कैसे मिले, एंड ऑफकोर्स इट इज़ अ सेल्फ एक्सपीरियंस, अ ब्यूटिफुल फीलिंग ऑल टुगेदर. और आई थिंक जिसके बिना ऑफकोर्स जिंदगी का उद्देश्य ही सिर्फ यही है कि इट शुड बी पीसफुल एंड इट शुड बी ब्यूटिफुल. And aaj jo hum peace ambassadors bane hain, I think it's truly a blessing for us to be world peace ambassadors, because wo jab kehte hain na, the best way to practice something is to be an example. Jaise Sandeep sir dusron ko dance sikhate hain, so he's a symbol of that perfectionism, and I think we are truly honored to be here as the peace ambassadors to spread peace. To itna hi kahungi ki sabke chehron par muskurahat lana, khushi lana, believing in the seven values jo unhone kaha hai, right from gratitude to humility to love personified to win hearts, aur yahi zindagi ka naam hai. I like to say a beautiful quote by Guru Gobind Singh ji, unhone kaha tha, jin prem kiyo tinhi prab payo. So if you really want to meet that higher love, the divine love, it is only through love, love one another. Jesus Christ ne bhi yahi kaha hai, love one another if you want to find me. So I think this is truly a peaceful moment, and thank you to friends from the media. आप क्या कहना चाहेंगे, वर्ल्ड पीस एम्बेसडर बन गए? आई कम्प्लीटली एग्री विद सिमरन मैम एंड संदीप सर. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ संदीप सर. आई वाज ग्रोइंग अप टू सी हिज डांस एंड हिज फॉर्म. और इफ यू टॉक अबाउट पीस, तो सिटिंग विद ब्यूटिफुल लेडी एंड संदीप सर, इट्स अ काइंड ऑफ सो पीसफुल. आई मीन सो पीस एट दिस मोमेंट. और जैसा कि मैडम ने कहा कि कोई भी धर्म हमें लड़ाई करना या झगड़ा करना नहीं सिखाना. हर रिलीजन हमें पीस और लव सिखाता है. सो वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स रिलीजन, बिकॉज इफ वी आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट अगर हमें एक ही घर में रहना है तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ईच अदर, एंड दिस इज रियली पीसफुल. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. एक्चुअली अभी के समय में पीस की सख्त ज़रूरत है, हर उस शख्स के लिए ज़रूरत है. और हर इंसान जब अपने आप में पीस को जगाएगा, अपने आत्मविश्वास को जगाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको पीस दे पाएंगे. अगर मेरे अंदर पीस ना हो तो मैं इनको पीस कहाँ से दूँगी. इसलिए सबसे पहले ज़रूरत यह है कि मुझे अपने अंदर सारे जितने भी मेरे ये होंगे, क्रोध होगा या जो भी जिस तरह की भी वासनाएँ होंगी, उसको बाजू में रख के पीस को अपनाना होगा. जब मैं फुली पीस अपनाऊंगी तो शायद मैं इनको भी सिखा सकूंगी, इनको भी मैं बता सकूंगी. इसलिए बहुत ज़रूरी है. और मैं ये कहना चाहूंगी कि विश्व शांति जिसने लाई है वो है बुद्धा, जो हमारे इस भारत देश में, भारत के लिए गर्व की बात है कि बुद्धा इस भारत भूमि में पैदा हुए हैं और उन्होंने विश्व शांति को लाया है. तो इसलिए शांति का जो मैसेज है सबसे पहले उन्होंने ही दुनिया को दिया है और दुनिया ने लिया भी है. तो आज की जो ये सिचुएशन है, जो बहुत बुरी तरह से जो हालात है, उसके ऊपर काबू पाने के लिए हम अपने आप को पहले सही मायने में मतलब शांति की तरफ पढ़ें. और
अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी बढ़ जाती है कि हम भी समाज में जो भी घटनाएं घट रही है उनके बीच जाकर उनको ये समझाए कि शांति क्या होती है, शांति से ही जीवन कट सकता है वरना नहीं। राइट मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? पीस एम्बेसडर है आप, पीस लाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डीजे डॉली सिन्हा एंड पीस के बारे में ये समझती हूँ कि जैसे इन्होंने बोला कि आप खुद को पहले सुधारो, खुद में शांति लाओ, प्यार से रहो सबसे, अपना कर्म आप अच्छा करो, आपको अपने आप लाइक आसपास अच्छे लोग ही मिलेंगे। कभी अगर कोई आपके साथ गंदा भी कर रहा है फिर भी आप उसके साथ अच्छा बिहेव करो तो आपको आपके मन में शांति मिलेगी, उसको भगवान उसका कर्म के चला देगा। आप अपनी तरफ से हमेशा पीस रहो, शांति रहो, क्रोध मत करो, प्यार से बातें करो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। कभी कभी हम लाइक रिक्शे वाले को किसी को भी ऐसे बोलते नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उनमें भी दिल है, उनमें भी फीलिंग्स है। तो आप ऐसे किसी के साथ मत करो कि बड़े छोटे, हर वक्त चाहो कि अपनी ज़ुबान से अच्छी चीज़ें निकले, हम अच्छा ही करें, किसी को खुशियाँ दे पाए, क्योंकि वो रिटर्न आपके पास भी आएगा, आप जैसा करते हो वैसा आपके पास आता है। और लाइक बस शांति बनाए रखिए, अपने आप में बिलीव करो, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, साईं बाबा हैं सब अच्छा करेंगे, ट्रस्ट ऑन योर गॉड, जिनको भी आप मानते हैं। थैंक यू सो मच। पीस के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, लाइक गरीब से एनजीओ जाना, बच्चे लोग से मिलना, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, मन को शांति लगती है। कुत्ते को आपने खिला दिया, बिल्ली को खिला दिया, ये सब मन में बहुत शांति लगती है। एंड मेरा पहला गाना मैंने रिमिक्स किया था, एक्चुअली मैं मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली थी कि आप ये रिमिक्स करो, ये रिमिक्स करो, पर मैं लाइफ टाइम तक याद करना चाहती थी कि जो मेरी फीलिंग है, जैसे मैं हूँ, मैं उस गाने पर रिमिक्स करूँगी। तो मैंने अपने पहला गाना मैंने रिमिक्स किया है, तो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। चीना इसी का नाम है, मेरा फर्स्ट रिमिक्स है। सो मेरा फर्स्ट रिमिक्स है, मतलब ये ना आप करोगे ना तो चला नहीं सकते। ओके सो ये आपको बंद करना पड़ेगा, प्ले करो निकल, आप गा के सुन बोलिए। ओके हां ये नहीं हां म्यूजिक ऑफ म्यूजिक किसी का दर्द दिले सके तोले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। थैंक यू सो मच गाइस। Thank you so much.